अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, ऑस्मो रेगुलेशन की बात कर रहे थे हम, तो एनिमल्स के अंदर देखा जाए तो हम मेरीन वाटर के अंदर पढ़ चुके हैं, फ्रेश वाटर की बात करते हैं। तो बच्चे देखो, फ्रेश वाटर के अंदर होता क्या है, फ्रेश वाटर के अंदर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। इसका मतलब कि जो फ्रेश वाटर की इन्वायरमेंट है ये हाइपोटोनिक होती है, ठीक है। तो अब हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में जो एनिमल्स हैं क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि बेटा इनके जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं और बॉडी सेल्स होते हैं ये फ्लड होना शुरू हो जाती हैं वाटर के साथ साथ। तो इन्होंने करना क्या होता है, इनको चाहिए होता है कि मैक्सिमम रिमूवल करना है इन्होंने वाटर का, ठीक है। मैरीन एनवायरनमेंट में सॉल्ट को करना था रिमूव, यहाँ पर वाटर को करना है, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या क्या अडेप्टेशन है, एमीबर पैरामेशियम के पास होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। बेटा ये बात याद रखना, वैक्यूल इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट्स, ठीक है। एनिमल्स के अंदर होता है लेकिन प्लांट्स के अंदर डोमिनेंट होता है, लेकिन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल सिर्फ एनिमल्स के अंदर होता है। अब बेटे ये देखो करते क्या है वो, लाइक दैट ये उनकी बॉडी है जहाँ से वो क्या करेंगे, जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है वो ऐसा करके पुश करेगा, वाटर को बाहर की तरफ निकालेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, एक तो वाटर ही मूव हो जाएगा, दूसरा जब जिस तरह पुश करते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उनका मोशन भी होता है, ठीक है। तो इस तरह मूव करने में भी उनको मदद देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम फॉस्फोर रेगुलेशन की बात कर रहे हैं तो हम रिमूवल की बात करेंगे, रिमूव एक्सेस ऑफ वाटर बाय कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि बहुत सी फ्रेश वाटर फिशेज है वो क्या करती है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन पैदा करेंगी। डाइल्यूट यूरिन में क्या है कि वाटर की अमाउंट ज्यादा होती है, सॉल्ट्स की अमाउंट कम होती है। अब लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन पैदा करेंगी, इससे क्या होगा कि मैक्सिमम वाटर रिमूवल हो जाएगी। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ सॉल्ट्स कैसे कंपनसेट की जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ सॉल्ट्स इज कंपनसेटेड बाय ईटिंग सॉल्ट कंटेनिंग फूड्स, यानी कि ऐसी फूड खाएंगे जिसके अंदर सॉल्ट्स की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी। उसके बाद देयर गेन्स एंड स्किन्स एक्टिवली अपटेक वाटर, सॉरी यहाँ पे अपटेक सॉल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, कि इनके जो गेल्स हैं और इनकी जो स्किन है वो एक्टिवली अपटेक करती है, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाती है, एक्टिवली सॉल्ट्स को अपनी बॉडी के अंदर लेकर आती है। तो ये थी बेटा अडेप्टेशन अबाउट फॉस्फो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर। इफ एनीवन हैव एनी क्वेरी ही और शी फ्रेंकली आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।